टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा के तलाक पर पूरी कहानी घूम रही है। कावेरी पोद्दार अपनी जमाई संजय के साथ मिलकर अरमान और अभीरा के तलाक में लगी हुई है। इसी वजह से वह अभीरा को एक ऑफर भी देती है। वह अभीरा को बोलती है कि अगर वह कोर्ट में तलाक के दौरान झूठी गवाही देती है तो वह माधव और विद्या का रिश्ता ठीक करवा देगी। अरमान बेशक ये शर्त नहीं मानता, लेकिन अभीरा कोर्ट में इस शर्त को मानते हुए नया तांडव कर देगी। अपकमिंग एपिसोड में अभीरा कोर्ट की गवाही के बाद दादी साहब को खुली चेतावनी देगी। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा अरमान के साथ सुबह सुबह कोर्ट जाने के लिए तैयार होती है। इस दौरान विद्या अरमान को दही चीनी खिलाती है और ये देखकर मनीषा हैरान रह जाती है। वहीं कोर्ट जाने से पहले ही अभीरा और रूही में बहस हो जाती है और कोर्ट में अभीरा नया ड्रामा करती है। कोर्ट में पहले अरमान गवाही देते हुए बोलता है कि उन दोनों की शादी जबरदस्ती नहीं हुई थी, लेकिन अभीरा इस बात को गलत बताती है। अभीरा अपनी और अरमान की शादी को जबरदस्ती वाली बताती है और कहती है कि युवराज की वजह से उन दोनों ने जबरदस्ती शादी की। ये सुनकर अरमान अभीरा पर कोर्ट में ही भड़क जाता है, जिस वजह से जज अरमान और अभीरा को दूर करते हैं। इसके बाद अरमान रास्ते में भी अभीरा से कई सवाल करता है, लेकिन अभीरा किसी का जवाब नहीं देती। सीरियल में आगे देखने को मिलेगा कि अभीरा की गवाही से दादी सब बहुत खुश होंगी। वह कोर्ट की सुनवाई के बाद अभीरा से मिलती हैं, लेकिन इस मौके पर अभीरा की दादी साह को चेतावनी दे देती है। बोलती है कि अब देखा जाएगा कि वह कैसे अपने बेटे और बहू को एक करती है। इसके बाद पोद्दार हाउस में माधव अभीरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें सुना देती है। अरमान भी घर में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, इस वजह से हर कोई परेशान होता है।